राजस्थान में विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के कैंपेन को धार देने के लिए आई प्रियंका गांधी ने शुक्रवार को दौसा में एक जनसभा को संबोधित किया। यहां उन्होंने केंद्र सरकार की नीतियों और बीजेपी पर जमकर हमला बोला। प्रियंका गांधी ने कहा कि जब कांग्रेस सरकार ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर सकती है तो बीजेपी इस मुद्दे पर चुप क्यों है। बीजेपी वाले कहते हैं कि हमारा चेहरा नरेंद्र मोदी होंगे। जनता को उनसे पूछा न चाहिए कि क्या प्रधानमंत्री पद छोड़कर राजस्थान के वो सीएम बनने यहां पर आएंगे। उनका मकसद सिर्फ सत्ता में बने रहना है। उनकी सिर्फ एक नीति है, गरीबों से खींचना और उद्योगपतियों को देना। बीजेपी सरकार आएगी तो ओल्ड पेंशन स्कीम खत्म कर देगी। बीजेपी सरकार आएगी तो सस्ते सिलेंडर अब नहीं मिलेंगे। की नीति बन गई है, आप पिछले 10 सालों में देखिए, नीति बन गई है गरीबों से खींचना और बड़े बड़े उद्योगपतियों को सींचना। सोच लीजिए मेरी बहनों और भाइयों, भाजपा की सरकार यहां वापस आएगी तो पुरानी पेंशन खत्म। भाजपा की सरकार वापस आएगी तो सोचिए गैस सिलेंडर का क्या होगा। सोचिए कि आपको जितनी भी राहत मिल रही है उसका क्या होगा। सोचिए क्या आपका मुफ्त में 25 लाख का इलाज हो पाएगा कि नहीं।